प्लीज वो स्पेशल मैसेज पेश किया है दिखा रहे नहीं दिखा आपने। आग लगा देता है।
मनोज आग लगा देगा। रणवीर के जो है ना बिग पिक्चर की तो रणवीर रणवीर का ही चांस है ना। नहीं एक नाम की आवाज काफी है यहाँ पर। हाँ सचिन सचिन होगा ना, रणवीर रणवीर होगा, यहाँ तो सिर्फ मनोज मनोज चल रहा है। मनोज अरे वो बीमार है। आज तू नाचेगा और मैं खींचूंगा। अरे खुद जाएगा कौन है? क्या बात है, हमारे सिम्बा के दुर्वा दानाड़े। चलो देखो हम पिक्चर दिखाते हैं, पिक्चर एक तरफ उस पर आधारित जो सवाल है हमें नहीं पता होता है, करेक्ट कोई भी हो सकता है। सिमिलरली मनोज का डांस देखना हम लोगों को, गाना कौन सा होगा नहीं होगा, गाना कौन सा होगा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। मनोज अगर आप तैयार हैं तो पेश हो जाए आपके लिए मेरा कोई हिट ही गाना होगा। क्या बात है मनोज, बाबा अंगार चला। अनुप जलोटा पे डांस करता है बच्चा। मत जाने पे डांस किया भाई की शेंडी भी क्या है। अनुप मेरे को ओरिजिनल बाजीराव यही है। मनोज मस्ताने हो गया यार, मस्ताने हो गए यार। बिलोंग ओके सवाल अगर आपको अपनी जिंदगी की बिग पिक्चर पेंट करनी है तो क्या? मेरी लाइफ की बिग पिक्चर पेंट करनी थी वो यार एक थोड़ा सा प्यारा सा घर हो जिसमें मेरी वाइफ और मेरे बच्चे पूरी फैमिली खेल रही है कूद रही है खुश हैं स्वस्थ हैं। और उसके आगे और क्या मांगू मैं ऊपर वाले से, बस इतना ही हो कि मैं मरते दम तक सबका मनोरंजन करने का मुझे मौका मिले और
बस यही है मेरी लाइफ की बिग पिक्चर। एक छोटा सा 25 बेसिक वाला जो अगला सवाल है प्रियंका का दैनिक भाई, शो हिट हो गया तो मैं भी लूंगा पनवेल में फार्म हाउस क्या? अभी बात अभी बात सॉट कर नहीं ले लिया तो आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू सर, आपके मुंह में घी शक्कर यार। पर अगला सवाल है प्रियंका का दैनिक जागरण से कि फिल्म्स के मुकाबले टेलीविजन का एक्सपीरियंस और प्रोसेस कितना अलग है? यार अलग तो बहुत है, मैंने टेलीविजन में तो अभी भी शुरू किया है, भी नहीं किया है, लेकिन डिफरेंसेस हैं। फिल्म में क्या होता है, आपको डाउन टाइम मिलता है, कभी आप बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो, खाना खा सकते हो। यहाँ पे भैया बहुत काम होता है, 8 बजे आओ 8 बजे जाओ, तो उस 12 घंटे के अंदर काम बहुत डेंस होता है, बैठने को नहीं, खाने को नहीं, सांस लेने को टाइम नहीं रहता। फिल्मों में क्या होता है, एक कैरेक्टर का कवच मिलता रहता है, यहाँ पे योर ओन पर्सोना दैट्स ग्रेट बिग डिफरेंस। वहाँ पे आपके लिए लाइंस लिखी जाती हैं, यहाँ पे तो मोस्टली अनस्क्रिप्टेड ही होता है, तो आपको स्पॉन्टेनियस हाजिर जवाब रहना पड़ता है, उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ता है और 110% स्विच्ड ऑन 100% ऑफ द टाइम रहना पड़ता है। तो मैं कहूँगा फिल्मों से ज़्यादा मुश्किल है टेलीविजन का काम। और साथ में इंजीनियर है हमारे साथ बात करते रहता है, जो हम बात कर रहे हैं इंजीनियर है। अगला सवाल प्रियंका का ये दैनिक जागरण से एक और सवाल है, आप एक मेथड एक्टर हो और किरदार के लिए जी जान लगा के प्रिपरेशन करते हो, पोस्टिंग करने के लिए कितना प्रिपरेशन या फिर नेचुरली? आई थिंक ये सवाल थोड़ा ऑफ है, क्योंकि अक्सर क्या होता है मेथड एक्टिंग लोग पूरी तरह से समझते नहीं है। आई थिंक इट्स यूज लूजली, पूरी तरह से लोग एक्चुअली समझते नहीं आप लोगों में मेथड एक्टिंग क्या होता है। मतलब जस्ट बिकॉज एक क्रिएटिव इंडिविजुअल का एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है और वो होमवर्क करता है, प्रिपेयर करता है, उसका नहीं, उसका मतलब मेथड एक्टिंग नहीं होता। मेथड एक्टिंग आई वुड से अगर शॉर्ट में बताऊँ तो इट इज जस्ट अ सेट ऑफ गिव्स यू अ सेट ऑफ टूल्स विद विच यू कैन जनरेट इमोशंस एट्सेट्रा। हाँ, हर कोई जो होमवर्क करता है प्रेप करता है उसको मेथड एक्टर नहीं कहते, बट टू आंसर योर क्वेश्चन, मैंने होमवर्क किया है, प्रिपेयर किया है, इतना बड़ा शो है, ऐसे नहीं कि मतलब जस्ट लैंड अप ऑन द डे एंड विंग इट, बहुत होमवर्क किया है हम लोगों ने, प्रैक्टिस करी, ये पूरा रिग लगाया था हम लोग ने, मॉक सेशंस किए, बहुत बार गेम खेला, थोड़ा मतलब गेट अप फील ऑफ थिंग्स। जो बच्चा फर्स्ट आता है क्लास में वो होमवर्क करने वाला बच्चा होता है ना, और मैं फाइनली लाइफ में गुड बॉय बन गया, तो मैंने की जम के होमवर्क किए छोटे का लड़का एकदम फुल गुड बॉय होमवर्क वाला स्टूडियस बच्चा बन गया है। बट आई विल वाउच फॉर दिस कि हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं रणवीर, एंड दैट्स व्हाई आई सॉ बिफोर द शो द प्रिपरेशन। हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। अगला सवाल है लेटिका फ्रॉम मिडडे, टेलीविजन में डेब्यू करने के लिए आपने क्विज शो भी क्यों चुना? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, 6 साल से मुझे ऑफर आते रहे अलग अलग चैनल से, अलग प्रोड्यूसर्स, अलग फॉर्मैट्स, इंटरनेशनल फॉर्मैट्स, कुछ एग्जिस्टिंग फॉर्मैट्स, उन्होंने कहा कि आप अब आप ये होस्ट करो, पर बात नहीं बन रही थी, और सिर्फ इस शो ने अलग अलग टाइप के शोज, सम वो गुड बट वो वाली बात नहीं थी, पता नहीं क्यों मुझे बचपन से ना क्विज शोज बहुत पसंद है, मैं हर एक क्विज शो देखता था यार। एक आता था हमारे इन केबल पे, एक आता था इन केबल पे संडे 50-50 टेली हाउस, हाँ उसमें भी सवाल होते थे, फिर वो क्या था टेरिक ओब्रायन साहब जो होस्ट करते थे होली टैक्विज कॉन्टेस्ट, टिंग 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 किरकिटी टिंग टिंग, मैंने क्वालिफाई भी किया था होली टैक्विज कॉन्टेस्ट के लिए, मेरी जीके भी बहुत हार्ड है। तो बचपन से मुझे क्विज शोज से फैसिनेशन है, आई रियली इन्जॉय वॉचिंग दैम, मतलब इंटरेक्टिव होता है ना, फिर पूरी फैमिली बैठी होती है साथ में,
सवाल पूछा जाता है, यहाँ पे डिस्कशन होता है, टीवी पे कुछ और ड्रामा चल रहा है, इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि वो कंटेस्टेंट कैसे नेविगेट करेगा, उसको पता है नहीं पता है क्या डिसीजन लेगा कंटेस्टेंट, यहाँ फैमिली के बीच में डिस्कशन हो रहा है कि क्या है, तुमको पता है तुम्हारा गलत है मैं सही हूँ, मतलब ये सब वाइब जो होता है ना पूरा क्विज शो का मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है। तो जब ये फॉर्मेट आया, ये अपॉर्चुनिटी आई, आई थिंक इट जंप आउट एट मी एंड इट वॉज द राइट वन एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई एम हियर। And what destiny you were trying, you know, trying to participate in the question, and here you are hosting India ka sabse anokha quiz show. So congratulations to you. Thank all you. The best to you. Thank you. Agla sawal hai Ilaka from IAMS. Is show ka format kya hai aur ye dusre quiz show se kitna alag hai? मुझे लगता है यूनिक है, अनोखा है, इसीलिए क्योंकि ये विजुअल बेस्ड क्विज़ है और हम विजुअल एरा में रह रहे हैं, सबके पास अब मोबाइल फ़ोन है, सबके मोबाइल फ़ोन में कैमरा है, मनोज के तो खास करके क्या क्या नहीं कर रिलीज कर लिया है, क्या क्या तीर मारे मनोज ने अपने कैमरा फ़ोन के साथ, है ना मनोज? तो वी आर इन विजुअल एरा, सब कुछ पिक्टोग्राफिक हो गया है विद पिक्चर विजुअल, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको पिक्चर दिखाए जाते हैं, ए फॉर एप्पल के पास में एप्पल की फ़ोटो दिखाई जाती है, अब तो और भी हो गए, अब तो कई स्कूलों में आईपैड भी होते हैं और सब विजुअल बेस्ड होता है। अभी तो चाहे आप देखो इंस्टाग्राम देखो, जो कि अंकिता जी से लगातार देख रही हैं, देखो एवरीबडी इज ऑन एंड mildly addicted I would say to Instagram, सबको वो विजुअल का वो चस्का चढ़ा है, आप डांट खा रहे हो मम्मी की अभी आप फेस टाइम पे करते हो, आप फ्लर्ट करते हो गर्लफ्रेंड के साथ वो भी आप स्नैपचैट पे करते हो, तो आई थिंक वी आर नाउ इन द एरा ऑफ विजुअल एंड दैट्स व्हाट आई शुड बेस्ड ऑन विजुअल, सो आई फील इस तरीके से इट इज न्यू एज द न्यू एज क्विज शो और यही अरों की बात हमारे लिए होते हैं। जैसा हमने न्यू नॉर्मल को अडैप्ट किया, जी हाँ जी, न्यू एज अनोखा कुछ। अगला सवाल है विजया का फ्रॉम ई टाइम्स, आपके फैमिली और फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या था जब स्पेशली जब हमें पता चला आप एक टेलीविजन शो होस्ट करने वाले? दीपिका के पास हमेशा मेरे लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है जो मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ, रिसीव करता हूँ, वो उनको मैंने अपने मॉक सेशन दिखाए, उनके कुछ टिप्स थे, बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए उन्होंने, पॉइंट्स को मैंने नोट किया, इनवाइट किया एंड रियली ग्रेटफुल कि आई हैव सच अ शार्प माइंड एज अ पार्टनर, वो मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देके मेरा काम बेटर ही कर सकती है, आई हैव एज अ क्रिएटिव बाउंसिंग बोर्ड, अक्सर काम को लेके हमारी डीप डिस्कशंस होती हैं, उनके काम को लेके मेरे काम को लेके, आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई हैव समबडी विद सच अ ग्रेट इनसाइट इनटू द आर्ट्स, इनटू परफॉर्मेंस, इनटू दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, यू नो, तो उन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं जो आई एम वर्किंग ऑन देम एंड होपफुली विद हर लव सपोर्ट आई बी एबल टू डू द बेस्ट जॉब एंड बी द बेस्ट होस्ट। We've already saw the use of it and हम दीपिका के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आपको एनकरेज किया इस शो करने के लिए, टिप्स दी हैं यू नो फॉर गिविंग इंडिया वन ऑफ द फाइनेस्ट सुपरस्टार एंटरटेनर एंकर, शी इज एब्सोल्युटली अग्रीड। सो अगला सवाल है हिमेश का फ्रॉम पिंक विला, टेलीविजन एक बहुत पावरफुल माध्यम है, क्या आप इस बात से सहमत है कि टेलीविजन एक ब्रांड, एक एक्टर या डायरेक्टर को और भी बड़ा बनाने में मदद करता है और देश के कोने कोने तक पहुँचाने में मदद? जाहिर सी बात है आई एम श्योर ये होता ही होगा, टेलीविजन इज अ वेरी पावरफुल मीडियम, आई एम वेरी ऑल टू कॉग्निजेंट ऑफ दैट फैक्ट, मतलब आई डोंट थिंक दुनिया में टेलीविजन इतना पावरफुल मीडियम है, जो आपकी पिक्चरें भी नहीं देखते वो आपको टी वी पर देखते हैं, टी वी पर एक्सपीरियंस करते हैं, मुझे ही देख लो, मैं बचपन से मतलब टी वी देखते आया हूँ, जो भी सीखा जो भी जाना वो टी वी से जाना, इडियट बॉक्स देख के मैं खुद इडियट बन गया,
मतलब इन अ गुड वे वो 3 days टाइम का एडिट ऑल आई डिड नहीं पर आई मीन टेलीविजन इज इट यू नो इट इज गॉट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रीच लाइक यू सेड घर घर में टीवी है और घर घर में पहुंचने का मौका मिल रहा है मुझे आई एम वेरी ग्रेटफुल इन दिस वे आई कैन get an opportunity to entertain that many more people across the country. So I understand the power of television and I'm all too grateful to have this platform and this opportunity. We're looking forward to it. And एक आखिरी सवाल है जस्टिन का फ्रॉम इंडिया है पिछले 1.5 साल से सिनेमा पर घूम रहे हैं सारा कुछ एंटरटेनमेंट का ऑप्शन जो है वो टेलीविजन और ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स को शिफ्ट हुआ है तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए क्या आपने टेलीविजन में डेब्यू करने का फैसला नहीं जी हाँ मुश्किल दौर रहा है फिल्म वालों के लिए थिएटर बंद पड़े हैं इतने लंबे अरसे से द गुड न्यूज़ इज़ कि थिएटर खुल रहे हैं ये दिवाली को सूर्यवंशी आ रही है ये जिसमें आपका सिम्बा दिखेगा आपको मिलेगा थिएटर्स में दोबारा क्रिसमस में 83 महाशिवरात्रि पे जयेश भाई जोरदार वेरी एक्साइटेड कि थिएटर फिर से खुल गए हैं वेरी ग्रेटफुल एंड फिंगर्स क्रॉस्ड कि हमारे फिल्म वाले जिनके लिए इतना मुश्किल दौर रहा है प्रोड्यूसर्स के लिए एग्जीबिटर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एनीबडी एनीथिंग अनकनेक्टेड एंड एम्प्लॉयड विद इन शो बिजनेस द फिल्म इंडस्ट्री हैज सीन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम अलॉन्ग विद प्रीटी मच एवरीबडी एल्स इन द वर्ल्ड आई मीन इट्स बीन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर अस ऑल बट थिंग्स आर लुकिंग अप पर ये डिसीजन आई डोंट थिंक इट हैड एनी थिंग टू डू विद द फैक्ट कि फिल्में लग नहीं रही थी या कुछ तो मेरी फिल्में मैं शूट कर रहा था लॉकडाउन 1 और 2 के बीच में सर्किस भी शूट किया मैंने रोहित शेट्टी साहब के साथ तो वो काम चल रहा था बट दिस वाज आई वुड से एन इंडिपेंडेंट डिसीजन इट्स नॉट बिकॉज वो काम नहीं चल रहा है तो ये काम कर लेते हैं दिस वॉज अ वेरी क्लियर डिसीजन बेस्ड ऑन द फॉर्मैट विच एक्साइटेड मी द टीम विच एक्साइटेड मी And I think we're on to something good so far, so good. It's been a great period of preparation and now we're on the floor. It's an exciting time for me, an exciting new opportunity for me to showcase another skill set of mine, that of a host, which I've always been very, very keen to do. और हाँ मतलब OTT को भी मतलब मैं तो बोलता बहुत अच्छी बात है कि OTT ये जो OTT का वर्टिकल है जो अब बूम हो रहा है मैं तो कहना बहुत अच्छी बात है राइटरों के लिए अच्छी बात है एक्टर्स के लिए अच्छी बात है और मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड जी हाँ एंटरटेनमेंट कंजम्पशन की जो स्ट्रक्चर है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो प्री कोविड हुआ करती थी शायद अब थोड़ी बदलेगी नक्शा बदलेगा OTT भी है जनरल एंटरटेनमेंट टेलीविजन भी है फिल्में भी है बट आई थिंक दे कैन ऑल कोएग्जिस्ट एंड अल्टीमेटली अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अच्छा है हमने फिल्मों में आपका यूज मैगनेस देखा है जिस तरीके से आप डिलीवर करते हैं किरदार को बखूब भी निभाते हैं वहाँ पर स्क्रिप्ट होती हैं टेलीविजन पर यहाँ पर हमें रियल व्यू रियल मैन स्पॉन्टेनियस डिफरेंट अवतार वाला रणवीर सिंह देखने मिलने वाले हैं 16 अक्टूबर से हर शनिवार रविवार 8 बजे The Big Picture, एक अनोखा quiz show के host होंगे none other than Ranveer Singh and with that I am sure everybody is waiting for the picture perfect moment to capture the moment यहाँ पर है this is the big day 10 दिन में 16 तारीख को you know on air इसके पहले let's capture the moment Ranveer है let's also call can we set up for the photo op please अच्छा set up है yes set up मैं चक्का चक्का होके आता हूँ हाँ थोड़ा change करने हाँ क्या उधर